योगेंद्र कादयान। अभी देखिए नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारे सभी फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूशन के बैच मार्च अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाते थे नए सेशन के लिए, और आप सभी जानते हैं कि पैंडेमिक समय चल रहा है, हमारे देश में महामारी का समय है, तो हमारे पहले ही 3 से 4 महीने बर्बाद हो चुके हैं हर तरीके के बिजनेस के लिए, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए। तो हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा 1 साल का सेशन बर्बाद ना हो, ख़त्म ना हो। तो ज़्यादातर सभी इंस्टीट्यूशन ने स्टार्ट किया हुआ है, तो हम भी इसी क्षेत्र में, इसी लाइन में जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी को ये सूचना देने के लिए आज मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। हम भी अपने यहाँ पे सेशन शुरू कर रहे हैं 2020-21 का, और फायर एंड सेफ्टी के सभी कोर्सेज लागू होंगे, सभी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, जिनमें से मुख्य कोर्सेज हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगा बहुत कम समय में। 1 साल के कोर्स से पहले मैं आपको 6 महीने के सर्टिफिकेट बता रहा हूँ। सबसे पहले 6 महीने का फायर इंजीनियरिंग या एलिमेंट्री कोर्स इन फायर फाइटिंग का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, सर्टिफिकेट इन फायर इंजीनियरिंग भी होता है और सर्टिफिकेट इन एलिमेंट्री कोर्स इन फायर फाइटिंग, ये दो रहते हैं। इसके अलावा एक सेफ्टी मैनेजमेंट में भी 6 महीने का कोर्स होता है। कुछ कोर्स 6 महीने का ये सर्टिफिकेट कोर्स कहलाते हैं। 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा फिजिकली फिटनेस आपकी आवश्यक है। अब आते हैं 1 साल के कोर्सेज के लिए। तो 1 साल के कोर्सेज में फायर में रहता है डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग जो 1 साल का होता है, फिर आता है डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन HSC मैनेजमेंट। ये 1 साल के डिप्लोमा कोर्स हैं इंडिविजुअल फायर और सेफ्टी के। फिर कुछ 2-3 कोर्स हैं जो फायर और सेफ्टी के कंबाइंड रहते हैं 1 साल के, उनमें जब सबसे पहले एक रहता है डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। कुछ कॉलेजेस में उसी को जो है डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट भी बोला जाता है, DFSC के नाम से आप जानते होंगे। उसके अलावा एक रहता है डिप्लोमा इन फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल सेफ्टी टेक्निक्स। ये 2 कंबाइंड कोर्स होते हैं फायर और सेफ्टी के, और ये 1 साल का ही कोर्स होता है। 1 साल का कोर्स कोई भी हो, फीस अप्रोक्स सभी की 2-4 हज़ार ऊपर नीचे लगभग सेम होती है। 6 महीने के कोर्सेज के भी लगभग सेम फीस होती है। इसके बाद जो आप BSc करना चाहते हैं तो BSc के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके 2 ऑप्शन होते हैं। आप 12th साइंस PCM आपके पास है तो आप फर्स्ट ईयर BSc में जो है फायर सेफ्टी एंड हैजार्ड मैनेजमेंट से या फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट से, 2-3 तरह की BSc रहती हैं फायर और सेफ्टी की कंबाइंड। तो 3 साल का ये आपका ग्रेजुएशन रहता है। इसके लिए आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए, वो भी साइंस केमिस्ट्री से। आप रेगुलर 3 साल का कर सकते हैं, या कोई आगे ग्रोथ के लिए अगर BSc करना चाहता है, ऑलरेडी सेफ्टी फायर में डिप्लोमा है, तो आपको 1 साल की छूट मिलती है। BSc 2 साल में क्लियर होती है, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि आपने जो डिप्लोमा किया है वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से नहीं होना चाहिए जो अपने नाम से किन्होंने बना के दे दिया हो। ऑटोनोमस बॉडी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो खुद बना के दे रहे हैं उनका यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आपने NCVT से किया हो, आपने MSME मिनिस्ट्री से किया हो, या आपने गवर्नमेंट ITI से किया हो, या स्टेट टेक्निकल बोर्ड से किया हो, वो सभी 1 साल के डिप्लोमा आपके एक्सेप्ट होंगे और BSc 2 साल में आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी कोर्सेज के लिए मेरे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हैं। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, जो महीने खराब हुए हैं उनको बचाना चाहते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम है। आप यहाँ पे 1 साल के किसी भी डिप्लोमा के लिए 2 बार एग्जामिनेशन अटेम्प्ट का आपको चांस मिलेगा। सबसे पहला आप अभी नवंबर में अपना एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी 1 साल कोर्स के लिए। वो आपका जो कोर्स है 1 साल का ही होगा, वो जनवरी टू दिसंबर बैच का होगा, लेकिन कम टाइम में आप अपने शेड्यूल बढ़ा के, आप अपनी क्लासेज को डबल करके, सिलेबस कंप्लीट करके नवंबर में एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते हैं, पूरा 1 साल का टाइम देना चाहते हैं, तो आप इसके बाद नेक्स्ट ईयर, फिर अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप नेक्स्ट ईयर अप्रैल में अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो पूरा 1 साल का आपको टाइम मिल जाएगा। 6 मंथ के सर्टिफिकेट के लिए कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, साल के किसी भी महीने में उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है और अगले 5 से 6 महीने के अंदर एग्जाम करके उसको क्लियर किया जा सकता है। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा देश में, जब तक ट्रांसपोर्टेशन ओपन नहीं होता है और इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटीज को या ट्रेनिंग गैदरिंग को परमिशन नहीं मिलती है,
तब तक आपकी जुलाई अभी स्टार्ट होने वाला है, एक दिन बाद जुलाई स्टार्ट ही हो जाएगा, तो 15 से 20 जुलाई लगभग 20 जुलाई के बाद जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उन सभी की ऑनलाइन क्लासेज मैं चालू कर दूंगा। ऑनलाइन क्लासेज आप जहां हैं, जैसे भी हैं, घर पे हैं या जहां भी होंगे, आप सभी हमारी एप्लीकेशन से ऐप के द्वारा जो है ऑनलाइन क्लास लेंगे डेली। फिर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाता है, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप सभी जो रेगुलर कोर्स के लिए रजिस्टर कर रहे हैं वो हमारे यहाँ आके हॉस्टल में या जो नज़दीक के हैं डेली अपडाउन कर सकते हैं, वो रेगुलर क्लासेज ले सकते हैं। तो हॉस्टल अवेलेबल रहेगा हमारा, रेगुलर डेवोटिंग भी अवेलेबल रहेगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाएंगी लॉकडाउन खुलने के बाद, तब तक ऑनलाइन क्लासेस आपकी रेगुलर कंटिन्यू रहेंगी, वो आपको ऑनलाइन लेनी होगी। स्टडी मटेरियल आपको मेल कर दिया जाएगा पीडीएफ से, वो आप पढ़ सकते हैं। जब हमारे यहाँ आएंगे तो आपको हार्ड कॉपी जो है सिलेबस की वो दे दी जाएंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अकाउंट डिटेल और ईमेल से कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। इस जानकारी के अलावा आपको मैं एक जो है मेन जानकारी और जो देना चाहूँगा वो आपके लिए बड़ी आवश्यक है। जो आपके डिप्लोमा कोर्स होंगे हमारे यहाँ पे, वो दो तरीके से होते हैं, जो आप सिलेक्ट करेंगे वही आपको मिल जाएगा। सबसे पहला हमारे यहाँ BSS भारत सेवक समाज नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी प्लानिंग कमीशन प्रोमोटेड बाय प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आप मोस्टली जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, वहाँ से ऑथराइजेशन है, आप चाहें वहाँ का डिप्लोमा कर सकते हैं। दूसरी ऑथराइजेशन अभी जस्ट हम लोगों की है एरो एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, एरो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, MSME मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो है हम प्राइड लर्निंग पार्टनर हैं, और वहाँ से भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। चांस आपके पास दोनों, आप चाहें तो BSS से कर सकते हैं, चाहें MSME कर सकते हैं, दोनों में आपका ऑप्शन रहेगा। इसके बाद आप फोन कर सकते हैं, मैं आपको फोन नंबर, नीचे स्ट्रिप चल रही है तो इसमें से आप जो है फोन नंबर और हमारा एड्रेस ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा। वेबसाइट भी नीचे चल रही है, आप लॉगिन करना चाहें, ज्यादा डिटेल लेना चाहें तो वेबसाइट से ले सकते हैं। और जल्दी कीजिए, अपना ये साल बर्बाद नहीं करना है। इसी के साथ आप सभी से इजाज़त चाहूँगा, कुछ भी सवाल हो, किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर एक स्पेशल हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन है, आप डायरेक्ट कॉल पे बात नहीं करना चाहते हैं, व्हाट्सएप से जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको साइड में दे रहा हूँ, ये व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, जो जानकारी चाहिए कि हेल्प चाहिए वो सभी आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।